हे गाइस नमस्ते। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग दिल लगाकर पढ़ रहे हो और चीजों को सीख रहे हो। आज हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर जो इंपल्स को फिनिश कर रहा है। इंपल्स यहां पर फिनिश हो रही है, मतलब आप 1 2 3 4 5 पढ़ चुके हो और 5 पे ऐसा कौन सा पैटर्न बनता है जिसके बाद इसकी मैच्योरिटी हो जाती है इंपल्स की। तो आइए हम लोग सीखते हैं और जानते हैं कि ये ऐसा कौन सा पैटर्न है। आज हम बात करेंगे एंडिंग डायगोनल के बारे में। एंडिंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एंडिंग का मतलब है चीजें अब फिनिश हो रही है, मतलब प्राइस जो है अब वो ट्रेंड को खत्म करने के मोड में बैठा हुआ है। मतलब जो बाय कर रहे हैं अब वो थक गए हैं बाय करते करते। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, क्या कभी आप लोगों ने गैप्स के बारे में सुना है? टेक्निकल क्लासेस में बहुत ज्यादा यूज होता है और चार तरह के गैप्स होते हैं। ये चार तरह के जो गैप्स होता है, ये होता है कॉमन गैप, ब्रेकवे गैप, रनवे गैप और एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप कहां बनता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आने वाले वीडियो में ना इसके एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों किया हूं इसका एग्जाम्पल आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं कि एंडिंग डायगोनल। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हम लोगों ने वेव फर्स्ट पे क्या पढ़ा था, लीडिंग डायगोनल पढ़ा था। वेव सेकंड अभी कवर नहीं किया गया है। वेव थर्ड पर हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंशन, इसके बाद हम लोग वेव थर्ड पर एक्सटेंशन पढ़ने वाले हैं। वेव फिफ्थ पर एंडिंग डायगोनल पढ़ेंगे। एंडिंग डायगोनल में ये जो पांचवा मूव है देख रहे, ये पांचवा जो सबऑर्डिनेट है, इस सबऑर्डिनेट के ये सब क्या है, स्मॉलर सबऑर्डिनेट है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो मूव्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। जैसे कि डिग्री होती है तो ये आपका 1 डिग्री है। तो ये 1 डिग्री कहां पर बना है, इसको बोलते हैं मेजर डिग्री। ठीक ना, इसको बोलते हैं मेजर डिग्री। और इस वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट डिग्री, इंटरमीडिएट डिग्री। और ये जो 1 2 3 4 5 जो ब्रैकेट में बने इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है माइनर डिग्री, माइनर डिग्री। ठीक है, ये आगे बताऊंगा मैं, इसको बोला जाता है माइनर डिग्री। तो मेजर डिग्री जब ये फिनिश होता है उसमें इंटरमीडिएट में आपका क्या बनेगा, एंडिंग डायगोनल बनेगा। और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है पहले आप चीजों को सीखो। इसमें क्या होता है कि प्राइस जो है ना बहुत स्लो चलती है, बहुत स्लो चलता है, मतलब धीरे 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 प्राइस ऊपर के साइड में चलना स्टार्ट करता है। हम ये सोचते हैं कि नया हाई बनेगा या फिर प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में आएगा। दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक बड़े ट्रेडर्स होते हैं, एक छोटे ट्रेडर्स होते हैं। बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस जो राइजिंग मूव में जो चल रहा है ना, जैसे 1 2 3 4 5 जो चल रहा है, इसमें क्या करते हैं वो धीरे 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 प्राइस को ऊपर करते चले जाते हैं। और जो रिटेल ट्रेडर हैं वो क्या सोचते हैं, अभी तो और प्राइस ऊपर जाएगा, अभी तो और प्राइस ऊपर जाएगा, और वो बेचारे इस लालच में बाय करते चले जाते हैं। और उसके बाद जो एग्जांपल आपको दिखाऊंगा उसके बाद क्या होने वाला होता है, उसके बाद क्या होता है मार्केट का। जब भी आप एंडिंग डायगोनल का जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। और यही एक ऐसा इंपल्स है एंडिंग डायगोनल में, वेव फिफ्थ में, कि जो 1 2 3 4 और 5 बनेगा। बट इसमें एक भी मूव ऐसा आपको 5 मूव में नहीं दिखेगा, सब किस में दिखेंगे, 3-3 के मूव में दिखेंगे। आप देख सकते हो कि जैसे कि आपका वेव फर्स्ट बना है, तो वेव फर्स्ट में जो रेड कलर की प्राइस जा रहा है ये आपका एक मूव है, और उस एक मूव में जो ग्रीन कलर के जो मूव बने वो कितने हैं, 3-3 के, मतलब इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। यही एक ऐसा इंपल्स है जो 1 2 3 4 5 नहीं रखा है, उसमें कितने मूव है, 1 2 3 के, सॉरी एबीसी के मूव में आएगा। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये कैसे बनता है, क्यों बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये आपको मिलेगा। और देखो कि जैसे 1 2 3 4 5 बना, उसके बाद क्या करना होता है कि आपको 2 और 4 की, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन। कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन जब ये बनता है ना तो ये आपको एक वेज का फॉर्मेशन देता है, मतलब प्राइस जो है आपको कुछ इस तरह, जो नेचर जो बनेगा वो कुछ इस तरह सा फॉर्मेशन देगा, मतलब प्राइस चलता चला जाएगा, प्राइस जो है आगे चल के छोटे छोटे मूव करना शुरू कर देता है। एक देखो रहे कितने छोटे छोटे मूव है ना, तो ये प्राइस क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है मूव, जो है प्राइस का जो मूव है वो छोटा होता चला जा रहा है। और उसके बाद जो ये प्राइस, जो ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये क्या होती चली जा रही है, ये कन्वर्ज हो रही है, मतलब वो चीजें प्राइस जो है ट्रेंड लाइन क्या होती जा रही है, कन्वर्ज होती चली जा रही है। ठीक है, तो जब तक ऐसा बनेगा नहीं, जब तक ये प्राइस, जब तक ये ट्रेंड लाइन कन्वर्ज नहीं होगी तो ये आपको नेचर ही नहीं दिखाएगा, तो अभी ये आपको पैटर्न ही नहीं दिखाएगा कि ये आपको डायग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, अब देखो कि इसमें हर मूव, अब ध्यान देना कि इसके हर वेव्स क्या दिखाई देंगे, छोटे दिखाई देंगे,
छोटे का मतलब होता है कि आपका ये जो मूव दिख रहा है ना यहाँ पर, जब आप इसकी प्रोजेक्शन करोगे, जब आप वेव फर्स्ट का प्रोजेक्शन करोगे तो ये भी छोटा दिखाई देगा, जब सेकेंड का रिट्रेस करोगे ये भी छोटा दिखाई देगा, जब थर्ड का रिट्रेस करोगे ये भी छोटा दिखाई देगा, वेव फोर्थ का रिट्रेसमेंट करोगे ये आपको छोटा दिखाई देगा, वेव फिफ्थ का प्रोजेक्शन करोगे ये भी आपको छोटा दिखाई देगा। और सबसे प्लस पॉइंट है कि जितने जैसे जैसे छोटे होते चले जाएंगे वैसे वैसे प्राइस का प्राइस मतलब इस पैटर्न में जो वॉल्यूम बनते हैं वो कम होता चला जाएगा। और जैसे ही प्राइस का वॉल्यूम कम होता चला जाएगा आपको क्या करना है, आपको अलर्ट रहना है। ऐसा नहीं कि आप एग्रेसिव हो जाओ और ग्रीडी हो जाओ और बाय करना स्टार्ट कर दो। होता है ना कि जब प्राइस जब टॉप पर रहता है तो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, अभी तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, और उसी चक्कर में हम क्या कर देते हैं, टॉप पर बाय कर लेते हैं, और जब प्राइस नीचे आता है फिर उसको हम एवरेज कर लेते हैं या फिर उसको होल्ड कर लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि यार मार्केट में तो कोई पैसा बना ही नहीं सकता। आपको पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर सके ना आप वहां बाय किए जहां पर आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर सके, तो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना सीखना है आपको। ठीक है, आइए हम चलते हैं, इसका आप एग्जांपल देखेंगे कि क्या हुआ था, कैसे इस पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब देखो ये आपके पास ये निफ्टी है और ये लाइव मार्केट में वीडियो शूट कर रहा हूं क्योंकि बन रहा है, मैंने इस पर ट्रेड लिया था, मैं इस पर ट्रेड लिया हूं और प्रॉफिट करके बाहर हो चुका हूं, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं। देखो अब यहां पर क्या देख रहे हो, ये लाइव बन रहा है और लाइव बना हुआ लाइव यहां से प्राइस जो चला है, यहां से जब प्राइस चला थे इसको हमने क्या रखा, वन, और इसके बाद प्राइस का जो फॉल आया इसको टू रखा, इसके बाद जो थर्ड बना, देखो जो ये व्हाइट कलर का जो थर्ड है इसको थर्ड बना, इसके बाद फोर्थ बना और इसके फाइव बना, इसके बाद इसका 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 जो स्ट्रक्चर देख रहे हो कैसे स्ट्रक्चर है, कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन की तरफ स्ट्रक्चर है ना, आपको वन थ्री फाइव मिला है, टू फोर मिला है, कन्वर्जिंग है। और इसका मूव देखो, इसका मूव भी क्या देखा आपने, ये भी छोटा है, ठीक है, ये भी छोटा है, वेव थर्ड छोटा है, वे फोर्थ आपका और भी छोटा है, वे फिफ्थ और भी छोटा है, मतलब जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे जो स्ट्रक्चर है वो क्या होते चले जाएंगे, वो स्ट्रक्चर छोटे होते चले जाएंगे। फेयर इनफ। अब देखो, अब इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको क्या करना है कि जैसे ये आप ट्रेंड लाइन अप्लाई करोगे उसके बाद क्या करना है कि आप इसमें सेल कैसे करेंगे, कि जैसे ये प्राइस ने टच किया, जैसे इस प्राइस ने इसको टच किया, इस ट्रेंड लाइन को टच किया, आपको अलर्ट रहना है, बेचना नहीं है। ये मत सोचना ना कि तुरंत बेच दें जैसे ही प्राइस ने टच किया और आपने सेल कर दिया, नहीं, वहां नहीं सेल करना है। इसका एक रूल्स है, रूल क्या है इसका, कि जैसे आपने टू और फोर के ट्रेंड लाइन अप्लाई करोगे ना, तो जैसे ही अप्लाई करोगे तो जब ये वाली ट्रेंड लाइन देखो ना, टू फोर की ट्रेंड लाइन हमने अप्लाई किया है और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, देखो जैसे ये ट्रेंड लाइन क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद प्राइस क्या हुआ, फॉल हो गया। तो आपको जैसे ही प्राइस जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो ना तब आपको सेल करना है, ध्यान रखना, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो आपको क्या करना है, सेल करना। और जैसे ही सेल करोगे आपको क्या करना है कि आप जो टॉप लगा है उस टॉप को कर दोगे जीरो, रिट्रेसमेंट डालोगे ना तो उसको जीरो कर देना, और उसके बाद जहां पर वन बना है उसको कर देना आपका 100। तो जब आपने शॉर्ट किया है तो उसका मिनिमम टारगेट क्या बनेगा, 38.2% बनेगा मिनिमम, और उसका मैक्सिमम टारगेट क्या बनेगा, 81.2%। और बीच में कहीं से भी ये रिवर्स कर सकता है, ये ध्यान रखना, आपको ये मिनिमम लेके ही चलना, मतलब अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो मिनिमम 38.2% बुक कर लेना, क्योंकि क्या होगा, होगा ये कि जिस स्पीड से ये टूटा है ना, जिस स्पीड से टूटा है इसके डबल स्पीड से क्या होगा, प्राइस रिकवर करेगा। ये वर्ड जो है मार्क कर लेना। हम देखते हैं ना कि मार्केट में, हम लोग ज्यादातर मार्केट में क्या देखते हैं कि जिस स्पीड से प्राइस गिरा उसके डबल स्पीड से प्राइस क्या हुआ, कवर कर लिया। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द डायगोनल, बिना डायगोनल के ये होता ही नहीं है। देखो एग्जांपल कि प्राइस जिस स्पीड से गिरा कवर कर लिया, कंटिन्यू चल रहा, अभी लाइव मार्केट में चल रहा है, और देखना ये ऊपर ही बंद करेगा, ठीक ना। तो आप इसमें आप देखो कितने छोटे छोटे मूव बने, उसके बाद एक वर्टिकल फॉल आया, प्रॉफिट बुक करो, सामने से प्रॉफिट बुक करो और बाहर हो जाओ, और ये हर टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा ये, ठीक है। और यहां पर ध्यान देना, ये जितने भी बन रहे हैं ना, जितने सब पे छोटे छोटे वॉल्यूम, बहुत कम वॉल्यूम बना था तभी जाके स्पीड में ये फॉल आया, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आ गई।
और आपने बहुत कुछ सीख लिया, इंडिक डायग्नोसिस सीख लिया। अब इसके बाद अगर आपको एग्जाम, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो लाइव मार्केट में, तो इस वीडियो को चला के देखते रहना कि मनोज क्या बोल रहा है, कैसे बता रहा है, क्या उसने अप्लाई किया हुआ है। और लाइव मार्केट में बन रहा है तो रिट्रेसमेंट अप्लाई करो, और रिट्रेसमेंट अप्लाई करने के बाद उसका ट्रेड लेना स्टार्ट कर दो। स्टॉपलॉस फॉलो करना है, जैसे ही प्राइस क्या होगा स्टॉपलॉस के बाद अगर हम करते हैं तो ये ब्रेक किया तो आपको ये वाला स्टॉपलॉस लगाना है, ठीक ना, ये वाला स्टॉपलॉस लगाना है। और बुक करने के लिए आपको पहला 38.2% बुक कर लेना है। आप क्या करोगे, जैसे आप पहला बुक कर लोगे, आप चाहो तो ये क्या करना है, स्टॉपलॉस को ट्रेल कर सकते हो। स्टॉपलॉस को ट्रेल करके आप मैक्सिमम जो है 81% तक भी प्राइस को बुक कर सकते हो, ठीक है। सीखो, मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, आपको पढ़ाऊंगा वेव थर्ड का एक्सटेंशन, वेव फिफ्थ का एक्सटेंशन, वेव फर्स्ट का एक्सटेंशन, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।